माँ पुराण। भाई जिस औरत ने किसी बच्ची को 20 साल तक पाला, उसके पूरे जीवन तारीफ करे तो उसमें बुराई क्या है? क्यों बुरा लगता है भाई कि बहू जब माँ की तारीफ करती है? लेकिन तारीफ कैसी, जरा देखिए तो। ओहो माँ जी, ये रंग, अरे कैसे रंग के कपड़े पहने हैं आपने, हुआ क्या है आपको? अरे क्यों, क्या हुआ इस रंग में? इस रंग की तो चार चार साड़ियाँ और है मेरे पास। वाह माँ, क्या जच रही हो, कहाँ जा रही हो आज? ओहो, हुआ क्या है आप लोगों के टेस्ट को? कुछ भी मतलब, अरे ये भड़काऊ रंग आपकी उम्र में अच्छा थोड़ी ना लगता है। भड़काऊ? अरे कहाँ भड़काऊ है बहू, वैसे तुझे याद होगा तेरी शादी में तेरी माँ ने भी यही रंग पहना था, जबकि वो तो मुझसे भी बड़ी ही है। सास के मुंह से माँ की बात सुनकर बहू को तो मानो कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ जाती है। कैसी बात कर दी माँ जी, मेरी माँ से तुलना छोड़ ही दो आप। क्यों, क्या वो तुलना करने के भी लायक नहीं है बहू? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तुलना करनी है तो जिनत अमान से करो, मौसमी चटर्जी से करो, या किसी और हीरोइन से करो, लेकिन आपसे कभी नहीं। ये कैसी बात कर रही हो तुम माँ से? और ये जो तुम्हारी माँ मेरे बारे में बोल रही थी, वो नहीं सुना क्या? सास बहू का झगड़ा फुल ऑन शुरू हो चुका था। बेटे ने भी भलाई समझी कि वो वहाँ से खिसक जाए। अब अच्छा अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, जा ना, तुझे क्या लेना देना, ये कल की आई मुझे कुछ भी बोले तो। माँ मैं वो, हाँ हाँ मैं तो कल की आई हूँ ना, और आप कान खोल कर सुन लीजिए, पति है ये मेरे, ऐसे ही माँ का पक्ष लेते रहना तो कल की आई कल को चली भी जाएगी। अरे मैं वो, रवि बेटे का फोन बजता है। थैंक गॉड सही वक्त पर फोन बजा। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा माँ, बाहर दोस्त आ गया है, उसी के साथ जाना है ऑफिस, मैं चला। बेटा मौका देखकर खिसक तो जाता है, लेकिन सास बहू के बीच बहू की माँ को वहीं छोड़कर। मेरी माँ, उम्र जानती है उनकी, अरे अभी 25 की भी नहीं हुई है वो। 25 की वो नहीं तो 22 की तू कैसे? अरे 3 साल में ही पैदा कर दिया था क्या? तो कर दिया था तो, अरे पता है ना पहले कितनी जल्दी शादी हो जाती थी। अरे हो जाती थी जल्दी शादी माना, लेकिन इतने भी नहीं कि बच्ची गोद से भी ना उतरे और ससुराल भेज दे। अरे बहू तू ना बहुत बकवास करती है, अरे खुद सोचती भी नहीं कि क्या क्या बोले जा रही है। खैर उस दिन का मैटर तो किसी तरह बंद होता है, लेकिन बहू के अंदर माँ का कीड़ा एक दिन फिर उछल पड़ता है। अरे ये क्या माँ जी, आज तो त्योहार है, कुछ और बना लेती, ये थोड़े से खाने से कोई त्योहार मनता है क्या? अरे देखो क्या क्या नहीं है, गुलाब जामुन, दही बड़े, 5 तरह की सब्जी, और तो और पुलाव, रायता। और माँ ये क्या है? बेटा ये घेवर है, देशी घी के घर पर बनाया है मैंने, टेबल पर रखने तक की जगह नहीं है, माँ इतना कुछ बना लिया। सही बात है, जिसके घर पर इतना सही बन जाए उसके लिए तो यही बहुत है। एक मेरी माँ को देखो, अरे त्योहार हो या आम दिन, इतनी वैरायटी बनाती है कि पूरे घर की जमीन कड़ाई, कुकर और कटोरी से ही भरी रहती है। कम से कम 75 तरह का खाना बनाती है, 75 तरह का। सास बोलने ही वाली होती है कि बेटा माँ को शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन सास तो भाई सास होती है, कहाँ मानने वाली। अच्छा तो ये बात है, तो बहू जरा ये भी बता दे कि इतना खाना वो कितने दिन में बनाती है और खाता कौन कौन है। बहू जिसके फेंकने की सारी सीमा खत्म हो चुकी थी। खाता? अरे पूरा मोहल्ला खाता है, और माँ ये सारा 75 तरह का खाना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनाती है। अब बताओ कर सकती हो क्या तुलना मेरी माँ के साथ? बढ़िया आई। नहीं नहीं बहू, मैं तो मान गई तेरी माँ को, अरे 3 साल की उम्र में बच्चा और 10 मिनट में पूरे मोहल्ले के लिए 75 तरह का खाना, ना जी ना, मैं तो तुलना करने का सोच भी नहीं सकती। सास के मुंह से ये बात सुनकर बहू तो मानो 7वें आसमान में पहुंच जाती है, और सास को बातों बातों में हराना, और वो भी जब सास झुक कर इस बात को मान ले, ऐसा तो किसी भी बहू की जिंदगी में हो जाए तो। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि सास सास होती है। सुन बेटा, ये बहू के साथ रहना और इसके फालतू की बकवास सुनना, अरे मेरे तो कान खराब हो रहे हैं, ऐसा लगने लगा है जीवन में मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे माँ तू भी कहाँ उस पागल से तुलना कर रही है, जाने देना, तू तो खुद समझ रही है ना उसकी बात का मतलब। अरे हाँ बेटा वो तो है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू इसकी माँ को यहाँ बुला, वैसे भी कई साल हो गए हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई।
अरे जाने देना माँ, ये एक ही काम है क्या जो तू उसकी माँ को भी यहाँ बुलाने की जिद कर रही है? मेरा भी तो सोच, काम करना पड़ता है मुझे। नहीं नहीं माँ। लेकिन माँ की जिद के सामने बेटे की एक नहीं चलती और वो सास को फोन कर देता है। उधर बहू लगी पड़ी है। मेरी माँ तो अपनी बहू के पैर दबाती है, पता है आपको? अरे बस कर बहू, अब नहीं सुनी जाती तेरी माँ की तारीफ। अरे बहू के पैर कौन सी सास दबाती है? यही तो बात है मेरी माँ की, मेरी माँ दबाती है। बहू अभी भी माँ की तारीफ कर रही थी कि दरवाजे पर खड़ी हो जाती है बहू की माँ। तुम कैसे माँ? हाय रे, मेरी बेटी हकली हो गई। कैसे बेटा? अरे चुप कर माँ, ये पूछ रही हूँ कि तूने ना फोन किया ना चिट्ठी। अरे बता तो देती कि आ रही है। अरे अब आ गई है तो अंदर बिठा, चाय पिला। क्यों बहन जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? तकलीफ? अरे पूछिए क्या नहीं हुआ, उम्र इतनी हो गई है कि चला नहीं जाता। बहू को बोल बोल कर हार गई कि तेल गरम करके मालिश कर दे पैर की, लेकिन नहीं। सास बहू की ओर देखती है। अच्छा चमा चल, फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। बहू खाना लगाती है, सभी बैठे होते हैं कि बहू की माँ। हाय रे, अरसा ही हो गया एक साथ इतना सारा खाना देखकर, वरना घर में दो रोटी और सब्जी ही बना लेती हूँ तो लगता है कि बहुत बना लिया। वरना बहन जी, मेरी सास वो तो कम से कम दो सब्जी और दाल बनाती थी, लेकिन सच कहूँ मुझसे नहीं होता। मैंने तो शादी के बाद रिन्नी के पापा से बोल दिया था कि भाई खाना बनाना आता ही नहीं, उतना ही बनाऊंगी जितने में पेट भर जाए। तो क्या सासू माँ, मोहल्ले वालों को आपके घर से खाना नहीं जाता था त्योहारों में? त्योहारों में खाना मोहल्ले वालों के लिए? अरे कैसी बात कर रहे हैं तमाद जी, उल्टा त्योहारों में तो मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। वो क्या है ना, मंदिरों का भंडारा लगता था, वहीं लाइन में मैं रिन्नी के पापा को बर्तन देकर खड़ा कर देती थी। अरे कई बार तो खीर रिन्नी ही भीड़ में आगे जाकर ले आती थी। बताया नहीं क्या बेटा ससुराल वालों को कुछ? क्या कहती रिन्नी बहू, चेहरा लाल और शक्ल पर 12 बजे थे। अब क्या बताए बहन जी, काम करने का शौक ही नहीं रहा, और आलसी तो मैं इतनी थी कि क्या बताऊं। रिन्नी को तो मैंने पैदा भी 43 साल की उम्र में किया। सब बोलते थे बुढ़ापे में बच्चा पैदा कर रही हो। अब तो बस सारी हदें पार चुकी होती है, बिना किसी से कुछ कहे रिन्नी बोल पड़ती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस मजाक करती थी आप लोगों से। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।